रतिया उपमंडलाधीश डॉक्टर किरण सिंह ने लोकसभा आम चुनाव 2019 को निष्पक्ष पारदर्शिता व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए मंगलवार को नगर पालिका के सामुदायिक केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां पर बने स्ट्रॉन्ग रूम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर किरण सिंह ने स्ट्रॉन्ग रूम में खिड़कियों, दरवाजे, लाइट इत्यादि की जानकारी ली और केंद्र में कमियां शीघ्र दूर करने के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त एसडीएम ने विभिन्न मतदान केंद्रों का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को भी पूर्ण करने को कहा। प्रशासन अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुका है और तैयारियां जोर शोरों पर है। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ परस्पर तालमेल बना हुआ है और यहाँ कम्युनिटी हॉल में अपना हमने स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है और प्रिपरेशन जो है ईवीएम्स की वो यहीं होंगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं से ही होगा। तो आज कम्युनिटी सेंटर का निरीक्षण किया गया है, जो कमी पेशी थी वो पूरी करने के लिए सभी अधिकारियों को बताया गया। मैडम, जिस तरह लोकसभा चुनाव के लेकर जिला फतेहाबाद पंजाब की सीमा के ऊपर सटे उसको लेकर अवैध शराब की भी तस्करी हो, तो उसको लेकर भी कोई कदम उठाए जाएंगे? यस, जो रेगुलर पुलिस के नाके थे उसके अलावा इन नाकों में वृद्धि की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। और सेकेंडली, हमारी जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम बनाई गई है, हमारी कोशिश है कि हम उन्हें क्रिटिकल नाकों पर ही उनकी ड्यूटीज़ लगाएंगे ताकि इन पर ज़्यादा निगरानी रखी जा सके। एक मैडम, परसों होली का दिन है, उसको लेकर क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं, आपको क्या संदेश है? सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हम यही संदेश देंगे कि पीसफुल तरीके से त्यौहार मनाइए। फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।